मोदी जी दिन भी आजकल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, दिन ही नहीं कटता है। और गांव में भी कोई टाइम पास करने का कोई दूसरा साधन नहीं है ताकि वक्त कट आए। तो भैया कोई काम वाम किया करो जिससे तुम्हारा वक्त भी कट आएगा और दो चार पैसे कमा भी लोगे। हाँ भैया कल से मैं काम जरूर करूंगा, पर मोदी जी आज का तो टाइम पास करवा दो, कोई कहानी वहानी सुना दो। हाँ चलो ठीक है भैया, हो मैं तुमको एक अजीब कहानी सुनाता हूँ जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सुनी होगी। मोदी जी कहानी सपने में नहीं हकीकत में सुनी जाती है। हाँ तो चलो मोदी जी सुनाओ कहानी। एक बहुत पुराने समय की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में एक झाड़ के ऊपर चीड़ा और चीड़ी और उनके बच्चे रहते थे। वे अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, पर एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। सारा जंगल आग से जलने लगा। तो चीड़ा ने चिड़िया से कहा, अरे सुनती हो भाग्यवान, यहाँ से अपन लोग उड़ चलते हैं, नहीं तो हम लोग भी आग में जलकर मर जाएंगे। तो चिड़िया ने कहा, अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो उड़ नहीं सकते, तो मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर से चिड़िया ने कहा, हम लोग में से जितने भी बच सके उतने बच जाओ, अब क्या बच्चों के चक्कर में हम लोग भी अपनी जान गंवा बैठे, चलो उड़ चलो यहाँ से। पर चिड़िया ने फिर से साफ साफ कह दिया कि वो बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मोदी जी चिड़िया सही कह रहा था, उड़ जाना चाहिए था, वो लोग बच्चों के चक्कर में फोकट में मरेंगे। पर भैया बच्चों को बचाना भी तो जरूरी है। हाँ मोदी जी आगे क्या हुआ? आगे चिड़िया ने चिड़िया से फिर कहा कि बेवकूफ औरत, बच्चों के कारण हम भी मर जाएंगे तो दुनिया कहाँ से देखेंगे। तेरे को मरने का शौक है तो तू शौक से मर, मैं तो ये भागा। फिर चिड़िया उड़कर भाग गया। इधर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर राम नाम का जाप जपने लगी। तो जंगल में लगी आग उस झाड़ के पास आकर बुझ गई और चिड़िया और उसके बच्चे बच गए। एक दो दिन हो गए तो चिड़िया ने सोचा कि चलो मैं देख कर तो आऊं कि वो लोग मर गए कि जिंदा है। चिड़िया उड़ता हुआ घोंसले के पास आया तो देखा कि सब लोग जिंदा है और आराम से रह रहे हैं। पर चिड़िया ने चिड़िया से कहा कि अब तुम्हारा हम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। चिड़िया ने कहा कि चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ, पर मेरे बच्चे मेरे को दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो चिड़िया ने कहा कि आग लगने के कारण तुम तो यहाँ से भाग गए थे और मैंने बच्चों की जान बचाई है, तो बच्चे तो मेरे ही हुए। इसी बात को लेकर उन दोनों में बहस होने लगी। मोदी जी उन दोनों के बीच तो खूब दाता खिंची हुई होगी और खूब लपक के मारा ठोकी भी हुई होगी। हाँ भैया ऐसा ही हुआ। पर चिड़िया ने कहा कि चलो ठीक है, इस बात का न्याय राजा से करवा लेते हैं कि बच्चे किसके हैं और किसके पास रहेंगे। फिर चिड़िया और चिड़िया दोनों राजा के पास गए और चिड़िया ने राजा से कहा कि महाराज आग लगने पर चिड़िया भाग गया था अपने बच्चों को छोड़कर, पर मैंने अपने बच्चों की जान बचाई है तो बच्चे मेरे ही हुए ना। तो भैया चिड़िया ने भी कहा कि अगर मैं भाग गया था तो क्या हुआ, आग तो अपने आप ही बुझ गई, कहाँ तुमने आग बुझाई है, और मैं भाग भी गया था तो क्या बच्चे मेरे नहीं हुए क्या। राजा ने दोनों की बात सुनी तो असमंजस में पड़ गया कि अब न्याय कैसे किया जाए, क्योंकि बच्चे तो दोनों के थे। इतने में राजा की रानी आ गई और राजा साहब से बोली चलो खाना खा लो। तो राजा साहब ने कहा कि मैं एक न्याय करने में फंस गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि किस पक्ष में न्याय करूँ। तो रानी ने पूछा कि कैसा न्याय। तो राजा ने रानी को सारी बात बताई। तो रानी ने कहा कि बड़ा ही सिंपल न्याय है, इन बच्चों में से जो नर हो नर को दे दो और जो नारी हो नारी को दे दो। राजा ने भी यही न्याय किया कि जो पुरुष हो उसे चिड़िया रखेगा और जो चिड़िया होगी यानी कि बच्ची होगी उसे चिड़िया रखेगी। पर दोनों बच्चे पुरुष थे तो चिड़िया को मिल गए और चिड़िया अपने बच्चों के पास चला गया। इधर चिड़िया ने राजा साहब से कहा कि आपने न्याय तो बहुत अच्छा किया, पर आप मुझे इस न्याय को एक कागज पर लिख कर दे दो। तो राजा साहब ने न्याय को एक कागज पर लिखकर चिड़िया को दे दिया। फिर चिड़िया उस कागज को लेकर वहां से उड़ गई और जंगल में चली गई दूसरे पेड़ पर और उस कागज को उस पेड़ पर छिपा दिया। और वह बेचारी स्वयं अकेले जीकर क्या करती, तो वह तड़प तड़प कर मर गई। मोदी जी चिड़िया मर गई तो कहानी खत्म हो गई क्या? भैया अखिलेश कहानी में अब चुस्त आएगा, कहानी के आगे जो होगा उसमें राजा को बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं ना कि औरत की बुद्धि घुटने में होती है, वही होगा। मोदी जी कहानी में आगे क्या होगा? हाँ तो मैं आपको आगे सुनाता हूँ। चिड़िया बेचारी तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली राजा के न्याय से।
तो उसने फिर से जन्म लिया। इस बार वह एक सुंदर लड़की बनी। इधर राजा के गांव में 5 भाई रहते थे। वे सभी रोजाना काम पर जाते थे और एक एक पाई चना लेकर आते थे और सुबह शाम उन चनों को भूंजकर खा लेते थे और सो जाते थे। यही उनकी जिंदगी थी। मोदी जी, पांचों भाई पागल थे क्या? रोटी सब्जी पकाकर खाते पीते, कहां घोड़े जैसे चने चापते रहते थे रोज। योगी जी, तुम बातें तो सही बोल रहे हो, पर रोटी सब्जी बनाने में टाइम भी तो लगता है, इसीलिए बेचारे उन चने ही खाते थे और अपना गुजारा करते थे। एक दिन भैया एक बुढ़िया उन लोगों के घर आई तो देखा कि उनके घर पर 5 चूल्हे हैं। तो बुढ़िया ने पूछा कि भैया हो, ये 5 चूल्हे क्यों है? तो उन्होंने बताया कि माताजी, ये 5 चूल्हे हम पांचों भाई के हैं। हम सभी लोग अपने अपने चूल्हे पर चना भूंजकर खा लेते हैं वो सो जाते हैं, इसलिए हमने अलग अलग चूल्हे बनाए हैं ताकि ज्यादा टाइम खर्च ना हो। तो बुढ़िया ने कहा कि भैया, तुम में से एक भाई शादी कर लो तो तुम्हारा घर ठीक ठाक सा लगेगा और तुम लोगों को रोटी सब्जी भी सीधी पकाई मिल जाया करेगी। ऐसा कहकर वह बुढ़िया वहाँ से चल दी। फिर वे पांचों भाइयों ने मिलकर बड़े भाई की शादी कर दी। पर शादी भी किससे की? वही चिड़िया से जो मर गई थी, पर इस जन्म में वह लड़की बनी हुई थी, उसी लड़की से शादी की। शादी करके वह लड़की उनके घर पर आई तो देखा उनका घर का माहौल, पर वह तो बहुत थक चुकी थी इसलिए वह सो गई। दूसरे दिन सुबह हुई तो सभी भाई चने भूंजकर खाकर और थोड़े थोड़े चने बचाकर बहू के लिए रख दिए और अपने अपने काम पर चल दिए। इधर बहू उठी तो उसने उनके पांचों चूल्हों को तोड़ तार दिया। मोदी जी, ये बहू तो सबके चूल्हे तोड़ तार कर पांचों भाइयों में दंगा करवाएगी क्या? नहीं, ऐसा क्यों करवाएगी, आगे तो सुनो। बहू ने एक बढ़िया सा चूल्हा बनाया। इधर शाम को भैया वो पांचों भाई घर आए तो उनको अपने अपने चूल्हे नहीं दिखे तो वो लोग बहू पर नाराज हुए। बहू को 2-4 बातें सुनाने लगे। तो बहू ने कहा कि तुम लोगों के पास कितने चने हैं? तो सबने कहा कि हम सभी के पास एक एक पाई चने हैं। तो बहू ने कहा कि एक काम करो, तुम सभी लोग अपने चने मिला लो और एक भाई जाओ चक्की पर 4 पाई चने का आटा पिसा लेना और 1 पाई की दाल। तब तक तुम लोग हाथ पैर धोकर आओ, मैं तुम लोगों के लिए फर्स्ट क्लास खाना बनाती हूँ। इधर भैया एक भाई चक्की पर गया और 4 पाई चने का आटा और 1 पाई चने की दाल पिसवा कर लेकर आ गया और बहू को दे दिया। बहू ने फर्स्ट क्लास रोटी और चने की दाल बनाई और सभी भाइयों को पकाकर खिलाई। तो भैया सभी भाइयों ने खूब जमकर खाई, क्योंकि उन्होंने कभी रोटी तो खाई नहीं थी तो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगी और वे सभी भाई बहू की बहुत तारीफ करने लगे और तारीफ करते करते सो गए। दूसरे दिन जब वह काम पर जा रहे थे तो बहू ने कहा कि तुम लोगों को कितना अनाज मिलता है? तो उन सभी लोगों ने कहा कि हम सभी को 5-5 पाई अनाज मिलता है। तो बहू ने कहा कि एक काम करो, आज से तुम सभी लोग 5-5 पाई अनाज अपना अपना घर लेकर आया करो। तो सभी भाई उस दिन से 5-5 पाई अनाज लेकर आए। तो बहू ने उस दिन का अनाज का आटा पिसा लिया और दाल, जो उन लोगों को 5-6 दिन तक खाने में पुर गया और इधर से 5-6 दिन का अनाज 25-25 पाई के हिसाब से रोजाना बच गया। इस प्रकार बहू अपनी होशियारी से अनाज बचाने लगी। ऐसा करते करते 6 महीने हो गए, उनके घर पर काफी अनाज इकट्ठा हो गया। तो बहू ने उनसे कहा कि अनाज को बाजार में बेच आओ और उन पैसों से एक घोड़ा खरीद लो, जिससे कि तुमको काम पर जाने आने में सहूलियत हो सके। वाह मोदी जी, बहू तो बड़ी ही चतुर और बुद्धिमान निकली। हाँ भैया, अखिलेश सही बोला। अब अखिलेश भैया कहानी में फिर से मोड़ आ गया। मोड़ कैसा मोदी जी, कहानी सुना रहे हो कि गाड़ी चला रहे हो? जो मोड़ आ गया। अखिलेश भैया कहानी में अब ज्यादा रस बरसेगा। इधर उसी गांव में राजा भी रहता था। राजा के पास 25 घोड़ियां थी। वो सभी घोड़ियां जंगल में चरने जाती थी और इधर बहू का घोड़ा भी उन घोड़ियों में चरता था। पर भैया राजा की घोड़ियां सभी जनने वाली थी। 1 महीने तक राजा की घोड़ियां और बहू का घोड़ा साथ साथ चरते रहे। राजा की सभी घोड़ियां बहू के घर के सामने से निकलती थी, वहीं से उनके आने जाने का रास्ता था। एक दिन क्या हुआ कि राजा की 25 घोड़ियां जंगल में ही जन गई। सभी घोड़ियों ने एक एक बछेरा यानी कि एक एक घोड़ा पैदा किया। बहू का घोड़ा भी उनके साथ ही चल रहा था। शाम को राजा के घोड़ी चलाने वाले ने सभी घोड़ियों को और उनके बच्चों को लेकर राजा के घर आ रहा था। तो रास्ते में बहू का घर पड़ा तो बहू ने देखा कि सभी घोड़ियों के बच्चे हो गए हैं। तो बहू ने उन पांचों भाइयों से कहकर घोड़ियों के बच्चों को अपने घर पर ही बंधवा लिया।
और चरवाहे से कह दिया कि तुम्हारे राजा साहब से कहना कि सभी घोड़ियों के बच्चों को पांच भाइयों की बहू ने बांध लिया है। चरवाया राजा के पास गया और सारी बात बताई तो राजा ने बहू को तुरंत बुलवाया सजा देने के लिए। इधर से वे पांचों भाई डरने लगे और बहू से कहने लगे कि तुम राजा से पंगा ले रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है कि तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। तो बहू ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। इधर राजा के सिपाही बहू को लेने आए और बहू को ले जाकर राज दरबार में पेश किया। राजा ने कहा कि ए गुस्ताख लड़की, तुम्हारे जीने की आजू खत्म हो गई है क्या, जो तुमने हमारी सारी घोड़ियों के बच्चों को पकड़ रखा है। इसके बदले में हम तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। तो बहू ने कहा कि हाँ राजा साहब, जरूर मेरी जान लीजिए, पर मैंने गलती ही नहीं की तो सजा कैसी। राजा ने कहा कि घोड़ियों के बच्चों को बांधने की गलती, वो बच्चे मेरी घोड़ियों के हैं। तो बहू ने कहा कि महाराज, वो बच्चे तो मेरे घोड़े के हैं, कौन सी गलत फहमी में बात कर रहे हो आप। राजा ने कहा कि क्या घोड़ा भी कभी बच्चा देता है। मोदी जी, राजा साहब सही तो कह रहा है, घोड़ा कहाँ बच्चा देता है। नहीं भैया, आगे तो सुनो जरा। तो बहू ने कहा कि महाराज, ये भी आपका ही न्याय है कि घोड़ा भी बच्चा देता है। तो राजा ने कहा कि कैसा न्याय, और ये बेफुजूल की बातें करना बंद करो, कोई सबूत हो तो बताओ कि ये सारे घोड़ी के बच्चे तुम्हारे घोड़े के हैं। तो बहू ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं सबूत लाती हूँ। फिर बहू जंगल में गई जहाँ चिड़िया ने राजा की लिखी चिट्ठी छुपाई थी। उस चिट्ठी को लेकर राजा के पास आई और राजा साहब को बताई और कहा, महाराज कि ये आपका ही न्याय है, इसमें तुम्हारे हस्ताक्षर भी है। आपने ही न्याय किया था कि जो नर हो वो नर को दे दो और जो नारी हो वो नारी को दे दो। तो महाराज, आपकी घोड़ियों ने सभी घोड़े पैदा किए हैं, घोड़ी एक भी नहीं है, और मेरा घोड़ा भी तुम्हारी घोड़ियों के साथ ही चलता था, इसलिए महाराज ये सारे घोड़े के बच्चे मेरे घोड़े के हैं, तुम्हारी घोड़ियों के नहीं। महाराज अपने लिखे खत को देखकर चुपचाप रह गया और बहू को छोड़ दिया गया। वो सोच रहा था, मोदी जी आप क्या सोचेगा, अब तो काम खत्म हो गया। अरे भैया, राजा सोच रहा था कि औरत आदमी को बिगाड़ के रख देती है, जो माने औरत की सीख उसे मंगवाए घर घर भीख, क्योंकि ये न्याय रानी ने किया था, इसलिए पछता रहा था राजा। इधर भैया बहू अपने परिवार में हंसी खुशी की जिंदगी बिताने लगी और कहानी खत्म। मोदी जी, कहानी तो बड़ी मोड़ घोर की थी पर मजा आ गया। और भाइयों, आपको कैसी लगी मोदी जी की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ सबके साथ।